कि सभी विवादों का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। हम मानते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। इस दिशा में सहयोग बढ़ाने पर दोनों देश सहमत हैं। राष्ट्रपति मैक्रों, इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए मैं और सभी भारतवासी बहुत ही उत्सुक हैं। एक बार फिर आपकी मित्रता और मुझे दिए गए आदर सत्कार के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और अब न्यूज़ 18